आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, वो कितनी तरह की होती हैं। सबसे पहली है, चार तरह की मेनली हम इसमें ले रही हैं। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन और फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ये चार तरह की बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचानें, तो इसके लिए हमें क्या देखना है, सबस्ट्रेट कंसिस्टिंग ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एंड रिएजेंट्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, HX, वाटर, अमोनिया, HCN एटसेट्रा। यानी एडिशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होंगी जिनमें सबस्ट्रेट में अनसेचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, और उस पर अटैक करने वाले जो रिएजेंट्स हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल हों, जैसे हाइड्रोजन, जैसे HX, HCN, वाटर, अमोनिया। ये अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये हमने एग्ज़ाम्पल लिया है एक रिएक्शन का। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये एथीन है, जिसे हम एथिलीन कहते हैं, और उस पर हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल एंड एट टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। तो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो क्या है, ईथेन, यानी कि अनसेचुरेटेड रिएक्टेंट जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये जो रिएक्शन है, अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो सबस्ट्रेट में अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, और इस पर जो अटैक करने वाला जो रिएजेंट है, इसके साथ कंबाइन करने वाला जो रिएजेंट है वो कैसा है, छोटा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है। और जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में क्या हुआ, सबस्ट्रेट पे जो एथीन था उस पर नया बॉन्ड बन गया। कैसे, जो CH2 था इस पर एक बॉन्ड CH नया बना, और इसी तरह से यहाँ पे CH नया बॉन्ड बना, तो क्या बना, CH3। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, अनसेचुरेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और कन्वर्ट हो गया किस में, सेचुरेशन में। तो इस तरह से A+B gives C, ऐसा इसमें होता है। ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं ये तीन तरह के से होती हैं, जैसे अभी हमने पहले देखा था कि कौन कौन से रिएजेंट्स हो सकते हैं, उन्हीं पर डिपेंड करते हुए ये रिएक्शन तीन तरह की होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कब होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक कर रहा है वो जो अटैकिंग स्पीशीज है या जो रिएजेंट है वो कैसा हो, इलेक्ट्रोफाइल हो। अभी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रोफाइल को हम डिनोट करते हैं ई, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज से। इसी तरह से अगर सबस्ट्रेट जो अनसेचुरेटेड है उस पर अटैक करने वाली स्पीशीज़ जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और सिमिलरली अगर फ्री रेडिकल अटैक करता है तो हम उसे कहते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो जो अटैकिंग स्पीशीज़ है ये हमें यहाँ से पता नहीं पड़ेगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एथीन और उस पर अटैक या जो रिकम्बाइन कर रहा है वो है हाइड्रोजन, यहाँ से हमें पता नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की, उसी के अंतर्गत हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो जब हम मैकेनिज्म वाले पोर्शन पे जाएंगे, इस एथीन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कि मैकेनिज्म वाले पोर्शन पे जब हम जाएंगे, तब हम देखेंगे कि वास्तव में जो अटैक कर रहा है एथीन मॉलिक्यूल पे वो कौन है, क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है या वो न्यूक्लियोफाइल है या फ्री रेडिकल है, उसी के अकॉर्डिंग हम उस रिएक्शन का नाम देंगे, आइदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में। इसमें सबस्ट्रेट वही होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड वाले सबस्ट्रेट होंगे, अनसेचुरेटेड सबस्ट्रेट होंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया है एथीन, और इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, ये फास्ट स्टेप है, और इसमें क्या हुआ, पाई कॉम्प्लेक्स बना, यानी कि ये जो पाई बॉन्डेड जो डबल बॉन्ड था, जो पाई बॉन्ड था ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ में क्या हुआ, अटैच हुआ, और ये कैसा बना, अपना
पाई कॉम्प्लेक्स। ये पाई कॉम्प्लेक्स जो है ये फिर नेक्स्ट स्टेप में, जो कि स्लो स्टेप है, सेकंड स्टेप है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये इस तरह से हम देखें यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रोफाइल था ये पूरी तरह से अब क्या हो गया, किसी एक कार्बन पे आकर के, पहले तो वो क्या था, पाई बॉन्डेड था, पाई बॉन्ड से जुड़ गया था, अब ये क्या हुआ सेकंड स्टेप में, धीरे जो स्लो स्टेप थी उसमें क्या हुआ, ये एक कार्बन पे नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ गया, तो जिस कार्बन पे गया उसके बचा हुआ जो रिमेनिंग दूसरा कार्बन है, उससे अटैच्ड जो दूसरा कार्बन है उस पर क्या रहा, पॉजिटिव चार्ज। तो पाई कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट्स इनटू सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया नेक्स्ट आगे, मतलब अटैक तो दोनों ही करेंगे, एक बार इलेक्ट्रोफाइल एक बार न्यूक्लियोफाइल, जो फर्स्ट अटैकिंग स्पीशीज होगी उसी को हम कंसिडर करेंगे, उसी के बेस पे रिएक्शन का नाम डिसाइड करेंगे या बताएंगे। तो यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और न्यूक्लियोफाइल हम जानते हैं कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, तो ये क्या करेगी, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगी। तो यहाँ इसने अटैक किया और प्रोडक्ट हमारा इस तरह से बना। यहाँ पर हमने देखा कि अनसेचुरेशन खत्म हुआ और एक सी पे ई के साथ में बॉन्ड बना और एक सी का न्यूक्लियोफाइल के साथ में बॉन्ड बना। अब ये जो एल्कीन थी, सपोज ये सिमेट्रिक एल्कीन थी, लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिक एल्कीन हुई तो कौन कहाँ पर जाएगा, कहाँ किस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, किस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जाएगा, इसके लिए एक रूल है जिसे हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, अगर हम देखें इस रिएक्शन को, जैसे सी डबल बॉन्ड सी, सपोज हम ये रिएक्शन लेते हैं प्रोपीन की, ये प्रोपीन है और इसमें हम देख रहे हैं कि ये कैसी है, एसिमेट्रिक एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक तरफ तो एक कार्बन है और दूसरी तरफ दो कार्बन है, इधर सी एच ग्रुप है, इधर सी एच टू ग्रुप है, तो ये अगर एच एक्स इसके साथ ऐड होता है, कंबाइन करता है, तो कहाँ H को ऐड होना चाहिए, H प्लस कहाँ जाएगा, और X माइनस यानी कि हेलोजन जो है वो कहाँ पर ऐड होगा, इसके रिगार्डिंग जो रूल है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए जो रूल है, ये जाना जाता है मार्कोनिकॉफ रूल की नाम से। मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब कभी भी एच एक्स किसी अनसिमेट्रिक एल्कीन पर जुड़ता है, वेन एवर एच एक्स एड्स ऑन एन अनसिमेट्रिक एल्कीन, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ रिएजेंट, यानी कि जो जैसे H प्लस और X माइनस की हम बात कर रही हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है X माइनस जो है वो ऐड होता है उस कार्बन पर जिस पे लेस हाइड्रोजन होते हैं, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि पॉजिटिव पार्ट पॉजिटिव पे जाता है और नेगेटिव पार्ट जो है वो किस पे जाता है, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें प्रोपीन को, अगर हम देखें तो एच एक्स जब इस पे ऐड होता है तो एच वहाँ जाएगा जहाँ ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को आना चाहिए, यानी कि सी एस थ्री, और सेकंड कार्बन जो है सी एच, वहाँ पर एक्स ऐड होना चाहिए, तो प्रोडक्ट अपना ये बनना चाहिए सी एस थ्री सी एच एक्स सी एच टू, इस तरह से। अब हम देखते हैं आगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हम मैकेनिज्म वाले पोर्शन पे आते हैं। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं, या तो इस वाले कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन पे जो कि टर्मिनल कार्बन है, या फिर आ सकते हैं किस पे, जो मिडिल वाला कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, इस पे भी आ सकते हैं। तो जब इस पे हाइड्रोजन स्पीशीज या प्रोटॉन जब इस पे अटैक करेगा, अगर ये कार्बन जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो टर्मिनल कार्बन फर्स्ट कार्बन की तरफ आ रही हैं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये हमने देखा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, और अगर ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मीडियम वाले सेकंड वाले कार्बन पे आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता है, यानी कि इस केस में जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सेकेंडरी या टू डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। कैसे पहचाना हमने सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्योंकि ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो दो फर्दर कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो, तो इसको हमने कहा
टू डिग्री और सेकेंडरी कार्बोकेटायन। और यहाँ अगर ये मीडियम वाले पे जाता है तो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल कार्बन पे आता है। अब ये जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, तो इसको हम कहते हैं वन डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो ये जो प्राइमरी कार्बोकेटायन बना एक स्थिति में और एक स्थिति में सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, तो हमें देखना होगा इसकी स्टेबिलिटी। और हम सभी जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है वो प्राइमरी से बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से इससे बना हुआ जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी मोर स्टेबल। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिवली चार्ज्ड हैलाइड आयन एक्स माइनस आयन यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3CHX CH3, यानी कि 2 हेलो प्रोपीन। ये इसकी मैकेनिज्म थी। कई बार रीअरेंजमेंट्स भी कार्बोकेटायन में हो जाता है। जैसे हम इस एल्कीन की अगर बात करें तो यहाँ इस एल्कीन में क्या हुआ, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर आए, यहाँ आने की वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण बना क्या, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे जो नेबरिंग कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है ये असिस्ट करता है, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है और मिथाइल ग्रुप जो है ये मूव कर जाता है इस पॉजिटिव कार्बन पर इसकी पॉजिटिविटी को या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए। तो ये मिथाइल ग्रुप जब यहाँ आया तो इस कार्बन पर एक नया पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्रिएट जो हुआ तो इससे जो कार्बोकेटायन बना ये कैसा बना, टर्शियरी कार्बोकेटायन। कैसे, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये है टर्शियरी कार्बोकेटायन। और जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल था, बिल्कुल उसी तरह से सेकेंडरी से टर्शियरी कार्बोकेटायन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, और इस स्टेबिलिटी की वजह से ही अब जो हैलाइड आयन अटैक करेगा वो इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और एक्स जो है वो यहाँ पर ऐड होगा जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1, 2, 1, 2, 2 हेलो, और जो भी ये प्रोडक्ट होंगे वो 2 हेलो ब्यूटेन और इसके डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 2 हेलो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो इस तरह से, हालांकि बनना यहाँ से प्रोडक्ट क्या चाहिए था, 2 पे हेलो आना चाहिए था और ये इधर दोनों मिथाइल ग्रुप्स यहाँ होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा ना हो करके रीअरेंज्ड वाला प्रोडक्ट जो कि ज़्यादा स्टेबल है वो हमको मिल रहा है। तो ये आज हमने सिंपल वे में देखा एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं और कैसे हम उनको मैकेनिज्म के बेस पे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि वेदर दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।